हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल टी वी ऑल, और मैं विनयत्री स्वागत करता हूँ आपका हमारे इनिशिएटिव में। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें हम क्या बात करेंगे उसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हम यहाँ पर जो है सिर्फ इसी चैप्टर में जो है इस तरह से स्कैंड नोट्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर से आप देखेंगे कि आपको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपको आपके नोट्स मिलेंगे और पीडीएफ भी आपको कंटिन्यू जो है मिल ही रही होंगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में आपको पहले ही पता है, री और प्रोडक्शन, है ना, री और प्रोडक्शन। तो जो चीज़, जो ऑर्गेनिज्म पहले प्रोड्यूस हो चुका है, वो जब दोबारा जब किसी ऑर्गेनिज्म को, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, एक यंग वन को प्रोड्यूस करता है, तो हम उसको बोलते हैं उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो हमने ये बात पहली बात कर ली कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ये, ठीक है ना। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और उसका रिजल्टेंट क्या होता है, उसका रिजल्टेंट ये होता है कि जो नया ऑर्गेनिज्म होता है वो उससे सिमिलर होता है, ठीक है, ओके। तो इसी तरह से फ्लावर्स यानी कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम रिप्रोडक्शन में बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो फ्लावर, एक जो प्लांट होता है उसके कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, ये उसके क्या हैं, वेजिटेटिव पार्ट हैं, यानी कि दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बट द पार्ट, दिस पार्ट फ्लावर, इट इज़ इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जब इन्वॉल्व होता है तो इसलिए हम इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में फ्लावर है क्या, इट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम। और ये कैसे है मॉडिफाइड स्टेम, इसके बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकली एक मार्वल है, कौन, फ्लावर, ठीक है। कैसे, मार्वल का मतलब क्या होता है, देखिए हम जनरली एक वर्ड यूज़ करते हैं मार्वलस, जिसका मतलब शानदार। तो मार्वल का मतलब होता है शानदार, एक शानदार चीज़, एक तरह का चमत्कार, ठीक है ना। तो व्हेन यू सी अ फ्लावर, क्या आपके दिमाग में चीज़ नहीं आती कि सीरियसली यार ये तो एक खुदा का जो है चमत्कार ही है, तो एक सीरियसली एक मार्वल है। देन साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एक जगह भी है जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दूसरा एक मार्वल है, ओके। अब हम बात करते हैं कि मॉडिफाइड स्टेम कैसे है। देखिए, मॉडिफाइड स्टेम ऐसे है, हमने ये एक स्टेम ली, ठीक है ना, और इस स्टेम में हम देखेंगे कि ये जो लाइन्स हैं, ठीक है ना, ये नोड्स हैं, और इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है, इंटरनोड्स है, ठीक है। तो हर एक नोड पर, आपको पता है नोड्स पर क्या होते हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, और मेरिस्टमेटिक टिश्यू की एक एबिलिटी होती है ना, क्या, डिवाइड करने की एबिलिटी, कि उनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी होती है मेरिस्टमेटिक। तो यहाँ पर जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू, वो डिवाइड कर एक यूनिट बनाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे सेपल, ठीक है। फिर यहाँ पर जो होगा वो बनाएगा, वो क्या होगा, पेटल। इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको, ये जो है ये क्या है, एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये क्या है, ये है पिस्टल, पिस्टल या फिर कार्पल, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो है एपिकल मेरिस्टेम है, आप जानते हैं 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पर ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, और इसी वजह से यहाँ पर ये डिवाइड होकर क्या बन गया है, पिस्टल बन गया है, ठीक है, ओके। अब ये तो हमने बात की स्टेम की, लेकिन फिर ये कैसे बना भाई। देखें, जब ये स्टेम में कंप्रेशन होगा ना, जब स्टेम को कंप्रेस किया जाएगा, तो आपको इसी तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो सबसे बाहर क्या है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है फ्लावर में, देखिए इसको यहाँ बेहतर समझ सकते हैं हम, इसमें ये देखिए। तो ये जो है जिसके ऊपर ये प्लेस्ड है सारा सिस्टम, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल, ये जो ग्रीन वाला स्वोलन पार्ट है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये आपका सेपल है। और सिंगल यूनिट, देखिए क्योंकि एक सेपल तो नहीं होता है, आपने फ्लावर में ऑब्जर्व किया होगा कि एक से ज़्यादा ऐसी यूनिट्स होती है। तो जब हम उन सब यूनिट्स को एक साथ बोलते हैं, टुगेदर वी कॉल देम जो है कैलिक्स, हम उनको क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, लेकिन सिंगल यूनिट को हम सेपल बोलते हैं। फिर ये जो कलर्ड पार्ट है ना, ये जो कलर्ड पार्ट है, ये पिंक पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा पेटल। तो सिंगल यूनिट, ये जो सिंगल यूनिट है ये तो है पेटल, लेकिन जब हम इनको सारे को साथ बोलेंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे, कोरोला। ये सब नोट्स में मेंशन है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, ओके।
अब ये वाला पार्ट हो गया, इससे अंदर वाला हो गया, अब इससे अंदर, इससे अंदर जो ये वाला पार्ट है ये है जो लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक है, ये क्या है फिलामेंट, और ये ऊपर जो येलो पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा सोलन, ये क्या है एंथर, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमन। ठीक है, नेक्स्ट सबसे अंदर ये जो बॉटल टाइप जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना पूरा, इसमें जो स्वोलन पार्ट है नीचे का जो बल्ज्ड पार्ट है, एनलार्ज्ड जो पार्ट है दैट इज ओवरी, और इस ओवरी के अंदर क्या होगा, इस ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल, ठीक है ना, ओव्यूल, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर ये जो नेक है इसका, है ना, ये जो लॉन्ग पार्ट है इलोंगेटेड पार्ट दैट इज स्टाइल, एंड ये जो पार्ट है ये प्लेटफॉर्म है जी, ठीक है, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स लैंड करेंगे, ये क्या है स्टिग्मा। सो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड दैट इज नोन एज आपका पिस्टल या फिर कार्पल, ठीक है, पिस्टल या कार्पल, एंड एवरीथिंग इज मेंशनड हेयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एंथरोफिलामेंट से स्टेमन बना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से पिस्टल बना, पेटल सिंगल यूनिट, कोरोला जो है आपकी टुगेदर वी कॉल देम कोरोला, सेपल सिंगल यूनिट, अगेन कैलिक्स वी कॉल, ठीक है, ये आपका थैलेमस एंड ये आपका रिसेप्टिकल, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्टेम से कैसे होता है, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ मैंने आपको बताई है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन देखिए बन सकता है। आउटर टू, जो बाहर वाली जो हमने दो ये यूनिट देखी, सेपल और पेटल, यानी कि कैलिक्स और कोरोला, ठीक है ना, ये क्या एसेसरी वर्ल्स हैं, एसेसरी, यानी कि अगर ये ना भी हो ना तो भी फ्लावर को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, है ना। और इनर टू जो है वो एंड्रोशियम और गायनोशियम, ये इनमें से एक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, अगर दोनों है तो भी कोई दिक्कत नहीं किसी फ्लावर में, अगर किसी फ्लावर में दोनों है तो हम उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, और किसी प्लांट में अगर इस तरह के दोनों प्लांट हैं, दोनों जो है सेक्स वाले फ्लावर्स है तो हम उसको मोनोशियस प्लांट बोलते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो एंड्रोशियम ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव दैट इज गायनोशियम, ठीक है ना, ये टर्म्स भी हम यूज़ करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट एंड्रोशियम दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे जो पहली चीज़ है, हमने पहले ही याद कर लिया कि स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और स्टेमन में दो चीज़ें हैं, एक है एंथर और एक है फिलामेंट, ठीक है। तो लॉन्ग सिलेंडर जो स्टॉक है वो तो है फिलामेंट, ये तो है फिलामेंट, ठीक है, और ये अटैच्ड होता है एंथर से, ठीक है, ओके। अब एंथर क्या है, एंथर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात याद करवा दूं कि नंबर, यानी कि स्टेमन का नंबर एक फ्लावर में है ना, और लेंथ, ये दोनों ही वेरी करती हैं अलग अलग स्पीशीज में, अलग अलग फ्लावर की स्पीशीज में ये दोनों चीज़ वेरी करती हैं, किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में चार है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर फ्लावर की स्पीशी में अगर एक है तो सब में एक ही होगा, ऐसा नहीं है, वेरी करेगा नंबर, ठीक है, ओके। अब एंथर क्या है, एंथर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए एंथर जो है वो जनरली एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, बायलोब्ड का मतलब जहाँ पर दो लोब्स हैं, ठीक है ना, दो लोब्स हैं, ठीक है, तो अगर ये ऐसे जुड़ा हुआ है दोनों लोब्स, ठीक है ना, यहाँ पर एक्चुअल में जुड़ी भी हुई है ये दोनों लोब्स, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बायलोब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर हम ऐसे एंथर को डाइथिकस भी बोल देते हैं, ठीक है ना, दो थीका वाले स्ट्रक्चर, दो लोब्स। जैसे एग्जाम्पल आपके कौन कौन से होंगे, देखिए मोनोथिकस के एग्जाम्पल तो क्या होंगे आपके, मालवीसी फैमिली। अब मालवीसी फैमिली आप बोलेंगे, देखिए एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं, उनमें अलग अलग फैमिलीज हैं, जैसे कि आपने, मैंने 11th क्लास में जो हमारा चैप्टर वन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर टू है, उसमें मैंने सारी इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बता रखा है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सारी चीज़ों के बारे में। तो आपको पता है फैमिली का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, फैमिली का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो मालवीसी फैमिली जिसमें ओकरा यानी कि आपकी लेडी फिंगर आती है, ठीक है, कॉटन, ठीक है ना, यानी कि कपास, ये सब चीज़ें इस मालवीसी फैमिली के ही जो है स्पीशीज है, ठीक है। नेक्स्ट रिमेनिंग अदर फैमिली, जितनी भी आपकी फैमिलीज हैं, अब वो कौन कौन सी है, वो सोलेनेसी फैमिली हो सकती है, ठीक है, वो उसके बाद आपके लिलीसी फैमिली हो सकती है, सोलेनेसी फैमिली में जिसमें ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब आते हैं, ठीक है, अच्छा। अब ये जो दो लोब्स हैं जो मैंने आपको यहाँ बताया, ये दोनों लोब जो है ना ये कनेक्टेड है, है ना, ये अटैच्ड हैं आपस में, जुड़ी हुई है, कैसे, बाय अ कनेक्टिव स्टेराइल टिश्यू, एक कनेक्टिव स्टेराइल टिश्यू से ये आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि जो ये है एंथर, इससे फिलामेंट जुड़ा हुआ है, तो ये जो जुड़ने का जो तरीका है ना, ये चार अलग अलग तरीके से हो सकता है। देखिए पहला जो है ये तरीका हो सकता है कि ये आपका एंथर है, पेन ले लेता हूँ एक मिनट,
ये आपका एंथर है और ये आपका फिलामेंट और इसके बेस में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। बस यहीं पर इसकी अटैचमेंट है, आगे नहीं जा रहा, यहीं ये जहाँ मैंने डैट डॉट लगाया ना, बस यहीं इसकी अटैचमेंट है, ठीक है। ये हो गया बेसी फिक्स्ड, यानी कि बेस में फिक्स्ड है फिलामेंट। डोर्सी फिक्स्ड में जो डोर्सल साइड है एंथर की, वहाँ पर फिक्स है, देखिए आप डोर्सल साइड में फिक्स है। एडिनेट में क्या होता है, जो फिलामेंट है वो पूरी तरीके से यहाँ तक पूरा फिक्स होता है, ये पूरा, यहाँ देखिए यहाँ पर तो सिर्फ यहीं बेस में ही फिक्स था, यहाँ पर पूरा। और वर्सेटाइल में क्या होता है, जो एंथर होता है ना, यहाँ देखिए यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पर ट्रांसफर इस तरह से हो जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेटा हुआ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। और ये जनरली किन प्लांट्स में होता है, जिनमें एनिमोफिलस फ्लावर्स होते हैं। एनिमोफिलस फ्लावर का मतलब होता है कि जहाँ पर जो पोलिनेशन है वो विंड के द्वारा ही किया जाता है बस, ठीक है। और वो क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। नाउ ये देखिए, ये फिर से एक बार स्ट्रक्चर आप देख लीजिए और अच्छे से आपको जो है इमेज बन जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, ये एंथर है, ये इसकी एक लोब है और ये इसकी दूसरी लोब है, ठीक है। और ये बीच में क्या है, इसका स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू है। और फिर फाइनली ये कौन सा बेसी फिक्स्ड है, क्योंकि देखिए बेस में फिक्स्ड है ये, ठीक है, फिलामेंट। तो हमने स्टेमन देख लिया, ये इसका फेस है इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये इसका बैक है अगर आप ऐसे देखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगेन एंथर, या आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से है, ठीक है। दो अलग लोब्स हैं और दे आर अटैच्ड बाय अ स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ से ऐसे कट कर दूँ, यानी कि इसका ट्रांसफर सेक्शन लूँ, तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा, ये एंथर जो है इस तरह का। और ये क्या है, ये जिनमें भरे हुए हैं, ये जो पिंक वाला पार्ट है ये है पोलन सैक्स, और इनमें जो स्फेरिकल जो कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई है वो है पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और ये जो रीजन है, ये जो यहाँ पर लाइनिंग दिखा रही है, ये है लाइन ऑफ डाइसेंस। ये क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ अभी, उससे पहले देख लीजिए फिलामेंट है जो कि स्टॉक होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आपको ये सारी एंथर के बारे में इतनी, ठीक है। अब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर एंथर का, यहाँ देखिए ये जो शेप है इंटरनल स्ट्रक्चर की एंथर की, यहाँ पर देखिए, और वही शेप हमने यहाँ पर बनाई है, ठीक है। ये देखिए इस तरह की सी है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे आ रहा है और फिर ये लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ देखिए, अब ये बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है एंथर का। यानी कि जब एंथर को जब हम कट कर उसका टीएस लेंगे, ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, तो हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर वो दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। देखिए एंथर की जो वॉल है वो चार अलग अलग लेयर से मिलकर बनती है। तो पहली जो लेयर है दैट इज़ एपिडर्मिस, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर फ्लैट सेल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर फ्लैट सिंगल लेयर है फ्लैट सेल्स की। और इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटेक्ट करना। एपिडर्मिस का जनरली काम प्रोटेक्ट करना ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सेल्स दिख रही होंगी, एक सिंगल लेयर सेल्स की दिख रही होगी रेड कलर में। और देखिए यहाँ पर सब में न्यूक्लियस बनाना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर इस जो है ये आपकी जो कॉनिकल जो शेप्ड सेल्स हैं उनमें बनाया है, उसी तरह से आपको यहाँ पर मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आप बना लीजिएगा न्यूक्लियस, एक छोटी छोटी पर बिंदी लगानी है यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर एपिडर्मिस में बनाया है, ठीक है। मिडल लेयर, तीन चार आपको मिडल लेयर्स दिख रही होंगी, ठीक है। उससे पहले एंडोथीशियम आपको दिख रहा है, एंडोथीशियम जो रेड कलर की इस तरह की सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं ये क्या होते हैं, इनमें कैलोस थिकनिंग होती है। यानी कि जैसे एक ये सेल है ना, ये ऐसे सेल है, तो यहाँ पर जो इसकी वॉल्स है ना, इस सेल की जो वॉल्स होंगी वहाँ पर कैलोस की थिकनिंग होगी। अब आप कहेंगे सर कैलोस क्या, नई चीज़ ले आए भाई, कैलोस जो है एक प्लांट पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है ना, पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड आपको पता ही, कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स है ना, जो सिंगल यूनिट ऑफ मोनोमेरिक यूनिट से बनते हैं, मोनोमर्स से जो बनते हैं ना, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़कर ग्लाइकोजन बन जाता है, इस तरह से ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़कर स्टार्च बन जाता है, तो वो भी दोनों कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है। इसी तरह से कैलोस भी एक पॉलीसेक्राइड है, ओके। देन मिडल लेयर्स, तो ये तीन चार जो है आपके मिडल लेयर्स है, तीन से चार लेयर। और उसके बाद जो फाइनली जो लेयर है वो है टैपिटम। ये जो ग्रीन कलर में मैंने कॉनिकल शेप्ड सेल्स बनाई हुई है, ये आपकी क्या है, ये आपकी टैपिटम है, ठीक है। और टैपिटम जो है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी यहाँ तक की जो है क्या हो गई है, एंथर की वॉल होगी, और एंथर की वॉल में क्या होगी, आपकी चार लेयर्स हो गई, ठीक है। तो एंथर की वॉल हमने यहाँ पर बना दी है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है ना, ये पूरी सेल, ये आपको पूरे इसमें बनाना है, पूरे इस पूरे डायग्राम में आपको इसी तरह के सेल्स बनाने हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे आपको ये प्रोसेस समझाना था कि किस तरह से प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, ये ठीक है, किस चीज़ का प्रोसेस, जो आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगे ना। बार बार आप कह रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया सर पोलन सैक, और पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स है, तो पोलन से पोलन ग्रेन बनेंगे भी, तो इनका प्रोसेस भी तो होगा ना। तो वो जो प्रोसेस है उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सेल्स नहीं बनाए, बट आप बना लीजिएगा और एग्जाम में बनाइए। और देखिए यहाँ पर ही मैंने आपको क्या दिखाया हुआ है, ये स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू बनाकर दिखाया हुआ है, ठीक है। दोनों जो लोब्स यहां पर जुड़ी हुई हैं, बात समझ में आ गई होगी।
इतनी बात समझ में आ गई, ये पॉइंट ऑफ डाइसेंस है, इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब आगे आ जाइए आप। तो ये मैंने आपको बता दिया एपिडर्मिस के बारे में पहले, इन चारों के बारे में पहले बता दिए, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ डाइसेंस के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए डाइसेंस का मतलब क्या होता है, डाइसेंस का मतलब होता है, डाइसेंस का जो मतलब होता है वो होता है, तो पहली जो तीन लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इनका काम होता है प्रोटेक्शन का और साथ में डाइसेंस का। डाइसेंस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, टूटना, और कहाँ से टूटना, एक लाइन होती है पहले से ही एंथर में, एक लाइन होती है जो वीक लाइन होती है और वहाँ से ही टूटता है सिर्फ एंथर, ऐसे नहीं कि किस कहीं से भी रीजन से वो टूट जाएगा और पोलन ग्रेन्स को बाहर निकालने के लिए, ऐसा नहीं है। एक लाइन ऑफ डाइसेंस है, यानी कि एक स्प्लिटिंग की पर्टिकुलर एक लाइन है, वीक है वो लाइन, इस वजह से वो आराम से स्प्लिट हो सकती है, ब्रेक हो सकती है और वहाँ से पोलन ग्रेन्स बाहर आ सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी लाइन ऑफ डाइसेंस के बारे में। ओके, अब बात करेंगे जो टेपिटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेपिटम के बारे में मैंने अलग से स्लाइड में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए, ये टेपिटम, टेपिटम क्या है, इसमें थिक साइटोप्लाज्म है और मल्टी न्यूक्लिएटेड ये सेल्स हैं। हमने वहाँ पर हालांकि सिंगल न्यूक्लियस बनाए, लेकिन आप बनाएंगे मल्टी न्यूक्लियस। दो तरह की होती है, ग्लैंडुलर होती है यानी कि सीक्रेटरी फंक्शन, ठीक है ना, क्योंकि ग्लैंड्स का जो फंक्शन जनरली सीक्रेट होता है, ग्लैंडुलर टेपिटम मतलब सीक्रेटरी फंक्शन, और दूसरा क्या है, अमोबॉइड फंक्शन यानी कि प्लाज्मोडियल फंक्शन है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दो तरह की हैं, इतना ही आपको बस ध्यान रखना है। फंक्शंस क्या है, देखिए फंक्शंस इंपॉर्टेंट है टेपिटम के, एक जो फंक्शन है वो है न्यूट्रिटिव लेयर, क्या कि डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर है ना, माइक्रोस्पोर अभी बताऊंगा आपको, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, टेपिटम करती है। सीक्रेट, जैसे मैंने आपको बताया सीक्रेटरी है ये, क्या सीक्रेट करती है, कैलेज सीक्रेट करती है, कैलेज। भाई ये कैलेज क्या है, भाई एक एंजाइम है जो डिजोल्व करता है कैलोज को, कैलोज मैंने आपको बताया जो पॉलीसेक्राइड है, जो आपके अभी जो माइक्रोस्कोप टेट्राडिक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है, जो प्रोसेस में बताऊंगा ये सारी चीज़ें आपको, तो उनको डिजोल्व करने का काम कौन करती है, ये टेपिटम लेयर के ये एंजाइम ही करते हैं, कैलेज। फिर यूबिश बॉडी भी प्रोड्यूस करते हैं, यूबिश बॉडी का क्या मतलब भाई, ये यूबिश बॉडी प्रोड्यूस जिसमें क्या होता है, जो कि कोटेड होता है स्पोरोलेनिन से, और स्पोरोलेनिन पता है क्या होता है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है लिविंग वर्ल्ड का, जितना भी लिविंग वर्ल्ड है ना उसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट सब्सटेंस, इसको अभी तक जो है डिग्रेड करने वाला एंजाइम नहीं मिला है, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, ये पोलन ग्रेन्स की एंजाइम बनाएगा, क्यों बनाएगा अभी देखते हैं, ठीक है। एंड फाइनली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट, जो पाउडर फॉर्म में हम पोलन ग्रेन्स वगैरह से पाउडर बना लेते हैं, सप्लीमेंट वगैरह टैबलेट्स वगैरह की फॉर्म में यूज़ करते हैं फिर उनको, ठीक है। ओके, एथलीट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं टू एनहांस देयर जो है एबिलिटी, टू एनहांस देयर स्टैमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, वो सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स ईटेबल्स भी, एडिबल्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो देखिए, वो है प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर देखा है, लेकिन हमें पहले तो पोलन ग्रेन्स बनाने हैं, है ना भाई। रिप्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, मेल गैमेट चाहिए और फीमेल गैमेट चाहिए, तो पहले हम मेल गैमेट बना लेते हैं, और मेल गैमेट के लिए भी हमें एक पहला स्ट्रक्चर बनाना होगा, मेल गैमेटोफाइट। तो हम जो बनाएंगे वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, दैट इज पोलन ग्रेन। तो इस प्रोसेस से बनाएंगे, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का जेनेसिस, माइक्रोस्पोर का सिंथेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन या सिंथेसिस, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं जो है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। किससे, प्राइमोडियल मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है, माइक्रोस्पोर की मदर सेल, ठीक है ना। तो क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के प्रोसेस के द्वारा ये बनाया जाएगा। तो कैसे बनेगा यहाँ देखते हैं, एक बार यहाँ देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, अब आप कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, तो हमें वापस वहीं जाना पड़ेगा, यहाँ देखिए। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम था, देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये जो सराउंडेड बाय द टेपिटम, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये पूरा टेपिटम से सराउंडेड जो पूरा स्ट्रक्चर है, और जिसके अंदर कुछ स्फेरिकल सेल्स दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स, जो कि कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और साथ में आर्चिस्पोरियल सेल्स भी बोलते हैं इनको हम, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है, होता ये है कि ये जो पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, ये अपना साइज बढ़ा लेता है, यहाँ देखिए आप साइज बढ़ गया, लेकिन सेल्स तो अंदर उतने ही हैं। जब सेल्स उतने ही हैं तो क्या होगा, जब साइज बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो जो कॉम्पैक्टली जो पैक्ड सेल्स थे वो क्या हो जाएंगे, वो दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, यहाँ पर देखिए। और इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे या प्राइमोडियल मदर सेल बोलेंगे, गेटिंग माई पॉइंट। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर अब बन गया है, इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं बोलेंगे, पोलन सैक बोलेंगे, ठीक है, पोलन सैक बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब,
अब यहाँ देखिए, अब माइक्रोस्पोरेंजियम का साइज बढ़ा और उसको हमने पोलन सैक बोल दिया, ठीक है। अब जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो क्या हो गए, लूजली पैक्ड हो गए हैं, वो पहले की तरह कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं रहे, लूजली पैक्ड हो गए हैं, ठीक है जी। और उनको हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलना शुरू कर दिया। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये ऑब्वियसली डिप्लॉयड है और इसमें मियोसिस होगी, एक मियोसिस वन, मियोसिस टू। जब मियोसिस टू ही तो चार सेल्स बन जाएंगे ना, क्योंकि एक से दो है ना, और फिर वहाँ पर फिर से मियोसिस हुई तो चार सेल हो गए। तो ये जो चार सेल है इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इसको टेट्राड क्यों बोलेंगे मुझे पहले आप ये बताइए। देखिए इसको टेट्राड इसलिए बोलेंगे, यहाँ देखिए, ये देखिए, क्योंकि ये एक दो तीन और एक इसके बैक साइड में, तो चार जो है सेल्स जुड़े हुए सेल्स बन जाते हैं, जिनको हम इसी वजह से क्या बोलते हैं, टेट्राड। बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनका सेपरेशन हो जाएगा। एक मिनट बस, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इनका सेपरेशन हो गया यहाँ पर, और सेपरेशन होने के बाद क्या हो गया, माइक्रोस्पोर बन गया। अब देखिए, अब आ जाइए यहाँ पर दोबारा से एक बार, यहाँ देखिए। अब मैंने आपको क्या बताया कि टैपिटम ही वो एंजाइम सीक्रेट करती है कैलेज, जो कि क्या करेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड में जो कैलोज है उसको डिजोल्व करेगा, तभी तो ये अलग हुए। तो यहाँ पर किसका काम था, यहाँ पर जो है सेपरेट करने का काम किसका था, कैलेज एंजाइम का, जो टैपिटम सीक्रेट करती है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ हमने देखा माइक्रोस्पोर बन गए हैं, ये क्या बने, हैप्लोइड, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है, मियोसिस हुई है, मियोसिस होने की वजह से ये हमारे हैप्लोइड माइक्रोस्पोर चार बन गए हैं हमारे पास। जो टेट्राड था ना, अभी टेट्राड में अलग हो गए हैं, वैसे जो माइक्रोस्पोर जो है ना, ये चार फॉर्म में अलग अलग में बनते हैं। मोस्ट कॉमनली तो टेट्राहेड्रल ही होते हैं, आइसोबाइलेट्रल भी होते हैं, वो इस तरह के होते हैं, चारों आपको यहीं सामने दिखाई पड़ रहे हैं, लीनियर इस तरह से होंगे ऊपर नीचे, और एफ शेप्ड जो होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। गेटिंग माई पॉइंट, समझ गए मेरी बात। तो ये है, ठीक है, तो माइक्रोस्पोर हमारा बन चुका है। अब माइक्रोस्पोर के बनने के बाद अब क्या होगा, अब देखिए दो लेयर्स इसको आकर जो है सराउंड कर लेंगी, कौन कौन सी, पहले आएगी इंटाइन, ठीक है, जो कि किससे बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन से। और सेलुलोज क्या है, सेलुलोज आपको पता है, सेलुलोज एक जो है पॉलीसेक्राइड, एक होमोपोलीसेक्राइड है, जो कहाँ पर मिलता है, प्लांट के सेल वॉल में, प्लांट के सेल वॉल में ही ये सेलुलोज मिलता है हमें। और दूसरा पैक्टिन, ये भी एक क्या है, ये भी एक पॉलीसेक्राइड और हेट्रोपोलीसेक्राइड है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये दोनों से मिलकर बनती है हमारी इंटाइन। फिर एक इसके आउटसाइड जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है एक्जाइन, और ये एक्जाइन किससे बनती है, ये बहुत हार्ड होती है। और क्यों हार्ड होती है, क्योंकि ये स्पोरोपोलेनिन से, और मैंने आपको अभी बताया स्पोरोपोलेनिन के बारे में, यूबिश बॉडी जो प्रोड्यूस करता है टैपिटम, उससे स्पोरोपोलेनिन बनता है। और ये स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है पूरे लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है। अब ये बात हो गई, और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी जो एक्जाइन है, इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस लेयर, बीच बीच में जंप पोर्स हैं, ठीक है, बीच बीच में जंप पोर्स है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे ही इंटाइन और एक्जाइन इसको सराउंड कर लेती है, अब इस माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चर को मेल गैमेटोफाइट कहना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन कहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन दैट इज जनरली स्फेरिकल, और इसकी जो डायमीटर है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया, लेकिन ये जो पोलन ग्रेन है इसमें अभी माइटोसिस होनी बाकी है। जब इसमें माइटोसिस होगी तो पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन, और फिर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। लेकिन यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन होगा ना, वो अनइक्वल होगा, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में जो दो सेल्स बनेंगी ना, वो इक्वल सेल्स नहीं होंगी, वो डिफरेंट होंगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जैसे ये जो सेल बनी यहाँ पर, ये वेजिटेटिव या ट्यूब सेल, ये देखिए थोड़ी बड़ी सेल है ना, और इरेगुलर शेप्ड इसमें न्यूक्लियस भी है। और दूसरी जो सेल, ये जो आपकी सेल है ना, ये कैसी है, ये आपकी जनरेटिव सेल है, और ये कैसी, स्पिंडल शेप्ड सेल है। बात समझ में आ गई। तो आप देख सकते हैं, तो ये सबसे बाहर वाली जो ग्रीन मैंने बनाई है एक्जाइन, फिर उसके अंदर वाली जो रेड वाली बनाई है इंटाइन, उसके अंदर जो ब्लू वाली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इतनी ही बात मुझे आपको बतानी थी, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए एक बार, यहाँ पर इसमें भी समझ लीजिए, देखिए। तो देखिए, जब हमने इसको एंथर को जब क्या किया था, जब एंथर को ट्रांसवर्सली डाइसेक्ट किया था, तो हमें इस तरह के चार ये पोलन सैक दिखाई पड़े थे, ठीक है। तो इन चार पोलन सैक में किस तरह से काम हो रहा है आप जान गए होंगे अब, ठीक है। पॉइंट अब देखिए, यहाँ पर जब ये आ जाता है फाइनली, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से समझ रहे थे तो मैं आपको यहीं से दोबारा बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया, ये टेट्राड बन गया, टेट्राड बन गया, पोलन ग्रेन बन गया। अब ये जो पॉइंट था, ये जो लाइन थी डाइसेंस की, ये जो लाइन थी डाइसेंस की लाइन थी, यहाँ पर ये वाली और इधर ये, ठीक है ना, ये थे लाइन ऑफ डाइसेंस, ठीक है। तो यहाँ जो है, यहाँ से क्या हुआ, ये जो है स्प्लिट हुई जब ये मैच्योर हो गए, और ये फाइनली पोलन ग्रेन्स विल कम आउट, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आप एक बार, ये देखिए, तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से जो है क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्या आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक बन जाता है। पोलन सैक के बाद आपकी ये देखिए एपिडर्मिस, फाइबर लेयर, टैपिटम, और ये फाइनली पोलम। और पोलन जो है वो आपके जब डाइसेंस होता है तो यहाँ से ये रिलीज हो जाते हैं। जब पोलन रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना,
जब पोलन रिलीज हो जाते हैं यहाँ से, और ये जो है आपका फाइनली जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे यहाँ पर ये मेल गैमेट, जब ये रिलीज होंगे, और रिलीज होने के बाद फिर फाइनली इनको रिप्रोडक्शन तो करना ही है मेल गैमेट के। एक मिनट, बस थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने जो है टू सेल्ड जो है पोलन ग्रेन बनाया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसका स्ट्रक्चर देख कर और बेहतर समझ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल है, और ये ट्यूब न्यूक्लियस है ना, ट्यूब सेल है ये, और ये वैक्यूल है, एक्साइन है, देख सकते हैं आप, कंटिन्यूस नहीं है, और ये जंप ओवर है, और ये एंटाइन है, तो ये कंटिन्यूस है। ठीक है, मेरे हिसाब से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। देखिए, जो 60% हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज में ही रिलीज किया जाता है, यानी कि एक ट्यूब सेल और एक आपका जो है ये जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल, है ना, यही मैंने आपको बताया ना यहाँ पर। हाँ, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल, यही मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स की स्टडी को पैलिनोलॉजी बोलते हैं। यस, दे आर एडिबल, मैंने आपको पहले ही बताया ये बात। टैबलेट और सिरप्स की फॉर्म में हम एथलीट्स के द्वारा या हम नॉर्मल अपने हेल्दी रहने के लिए भी ले सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन कुछ को जो है, कुछ लोगों को इनसे एलर्जी भी होती है पोलन ग्रेन्स को, व्हेन वी इनहेल देम, है ना, तो हमें एलर्जी भी हो जाती है, और उस एलर्जी को हम हे फीवर बोलते हैं। बात करें वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स की फॉर्म में भी इनको रखा जा सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, है ना, फॉसिल्स के मतलब इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए। ठीक है, उसके बाद वायबिलिटी, है ना, वायबिलिटी जो है अलग अलग स्पीशी के अलग अलग प्लांट्स की, मतलब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वायबिलिटी अलग, जैसे राइस वीट की 30 मिनट्स हैं, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो मंथ्स तक की होती है, और इनकी वायबिलिटी को हम बढ़ा भी सकते हैं अगर हम इनको लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में स्टोर कर दें। ठीक है, और रिमेनिंग जो 40% थे वो थ्री सेल स्टेज में जो है रिलीज हो जाते हैं। एक्साइन मैंने आपको बताया, हार्ड लेयर, आउटर लेयर, नो एंजाइम कैन डिग्रेडेड वेजिटेबल बिगर अबंडेंट फूड रिजर्व, इररेगुलर शेप न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल, स्मॉल फ्लोट इन द साइड ऑफ, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं तेज़ी से थोड़ा पढ़ रहा हूँ इनको। ठीक है, इनटाइन थिन है, कंटिन्यूस लेयर है सेलुलोज और पैक्टिन की, दोनों चीज़ें क्या है वो बता चुका हूँ। फिर जंप पोर क्या है, प्रोमिनेंट एपरेचर होता है एक्साइन में, है ना, वो क्यों होता है उसका भी रीज़न है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट जो हमारी होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे डिटेल से। आई होप आपको सब बातें समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, फिलहाल आपको अपनी एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू जरूर होना है। डोंट फॉरगेट टू रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी विल फॉर्म यूर बेस। हालांकि मैं भी आपका बेस बना रहा हूँ, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, छोटी से छोटी बातें, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी जरूर फुलफिल करनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।